यह है MLS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। थत्तुंडा कांडा जाक मोटर मार्ग पर हादसा, सड़क पर पलटा पिकअप वाहन, एक महिला की मौत, 5 घायल। थियरी में रविवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। जौनपुर ब्लॉक के थत्तुंडा कांडा जाक मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन सड़क पर पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। हादसे के दौरान एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। थाना अध्यक्ष शांति प्रदास चमोली ने बताया कि घटना रात करीब 8 बजे की है। पिकअप वाहन थत्तुंडा से कांडा जाक गांव जा रहा था। वाहन के खाई में गिरने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करवाया। तब तक एक महिला की मौत हो चुकी थी। वही घायल 5 लोगों को 108 व निजी वाहन से CHC थत्तुंडा ले जाकर भर्ती कराया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। केरल के मल्लमपुरम में नाव पलटने से 6 लोग की मौत, कम से कम 40 लोग सवार थे, बचाव कार्य जारी। केरल के मल्लमपुरम जिले के तनूर के पास एक पर्यटक नौका पलट जाने से 15 लोगों की मौत हो गई, बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि नाव में 40 लोग सवार थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना रविवार की शाम 6:30 बजे की है। मल्लमपुरम के ओटुमपुरम के थुवलथिरम में हुई। मृतक के 4 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एक महिला और 10 साल की बच्ची की मौत पुष्टि हुई है जबकि अन्य मृतक व्यक्तियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नौका से तैरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने एक युवक ने बताया कि नौका पर कम से कम 40 या 50 लोग सवार थे। खुद को शरीफ बताने वाले शख्स ने बताया कि नाव डबल डेकर थी। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। 1.77 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात के साथ युवक गिरफ्तार। बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर RPF ने एक युवक को करीब 3 किलो सोने के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 1.77 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के मुजफ्फर निवासी अभिजीत कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अभिजीत के पास से RPF ने कुल 2,985 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। शनिवार जांच के दौरान एक युवक की संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा। जब युवक पूछताछ की गई और उसके बैग की तलाशी ली गई तो बैग में से भारी मात्रा में सोने के आभूषण मिले। RPF ने उसे सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MLS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mlsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MLS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।